आप सभी का स्वागत है रवि जोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम अंकुर पोल्ट्री फार्म, जो कि ग्राम सौगढ़ में स्थित है और सौगढ़ जिला हापुड़ में स्थित है और जिला हापुड़ यूपी में स्थित है। तो चलिए देखते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो राकेश विश्वास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जोन फार्मिंग लीडर में। आज आपका बच्चा कितने दिन का हो गया है और आप कौन सी वैक्सीन कर रहे हैं और कौन सी वैक्सीन करके किसान भाइयों को दिखाएंगे? सर जी, हमारे बच्चे के जो एज है आज 17 दिन का है। अच्छा जी, 17 दिन का है। और जो वैक्सीनेशन आज चलेगा हमारा, ये IBD गुम्बरों का है जी। और ये ड्रिंकर में पानी के साथ बना के पिलाया जाता है। अच्छा, इसको एक सवाल उठता है, जो आपने बताया IBD गुम्बरो जी, तो ये क्या है? अगर ये नहीं होता है तो इससे क्या परेशानी आती है, इसका लाभ क्या है? तो सर जी, इसका जो IBD का जो वैक्सीनेशन है, इसको ना करने से इसके जो बीमारी के आने के जो लक्षण है, वो जैसे बच्चा सुस्त हो जाएगा, ढीला हो जाएगा बच्चा जी। और उसमें जो इसके पंख होते हैं, वो पंख निकलते जाते हैं जी। बच्चा फीड नहीं खाता है, पानी नहीं पीता, सुस्त हो जाता है। बस कुछ ऐसे लक्षण बीमारी आ सकते हैं इसके, जो इसको वैक्सीनेशन कराने के बाद ये बीमारी नहीं आ सकती, इसका चांसेस बहुत कम रहता है। अगर हम वैक्सीन कर देते हैं जी, तो फिर बच्चे में क्या क्या ग्रोथ होती है, कैसा? उसमें तो जो ये इसकी जो बीमारी का जो लक्षण है, ये तो रहेगा ही नहीं जी। और बाकी जो इसका ग्रोथ होगा, वो बढ़िया चलेगा, फीड भी बढ़िया खाएगा, इसमें कोई हाँ मतलब इसके प्रॉपर पंख वगैरह अच्छे से उगेंगे, इसके शाइनिंग आएगी जी जी जी, शाइनिंग, बच्चा एकदम से सुंदर लगने लगेगा जी जी। तो राकेश जी, जैसे कि आप ये वैक्सीन अब स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों को लगाने के लिए, तो ये किस तरीके से आप कैसे कैसे इसे तैयार करते हैं और क्या प्रक्रिया है, इसकी जरा आप करके दिखाएं। सर जी, ये जो वैक्सीन है जी, IBD गुम्बरों के नाम से है। IBD गुम्बरों, गुम्बरों बोलते हैं जी। और इसको जैसे इसमें डिस्टिंग वाटर मिला के, अच्छा, इसको खोलने के बाद इसमें हम पानी मिलाएंगे। अच्छा, डिस्टिल वाटर मिलाएंगे जी। अच्छा, ये आपने डिस्टिल वाटर इसमें निकाल के रख लिया जी जी जी। तो अच्छा, इसको मिलाने के बाद इसको फिर से बंद करके इसको मिक्स करेंगे बढ़िया से। अच्छा, इसे मतलब इसमें जो है जिसे सैक कर रहे हैं आप, जी, जिसे घुल जाए इसमें जी। अच्छा, तो अब जैसे मान लिया ये घुल गया जी, तो फिर क्या है इसको? फिर हम एक पानी के बर्तन में डालेंगे। अच्छा, पानी के बर्तन में डालेंगे। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ये इसका क्या गणित है कि आपके पास जो आपका बच्चा है, कितना बच्चा है? हमारे पास 6000 बच्चे हैं अभी। अच्छा, 6000 बच्चे हैं जी। तो ये जो एक जो आपकी डोज है, ये कितने बच्चे के लिए है? ये 2000 की डोज है। 2000 की डोज है, तो इसका मतलब आप तीन शीशियाँ जी ये डालेंगे पानी में जी। जी जी, एक आपने पहले डाल दी जी, और एक ये दूसरी है जो आपने बना के तैयार कर रखी थी जी। अच्छा, ये दूसरी डोज होगी इसमें, यानी कि अब 2000 की 4000 हो गई जी। जी, और ये तीसरी डोज जी। अच्छा, आप अपने अब ये जो आपका डिस्टिल वाटर था उसमें ही ये बनी हुई पूरी की पूरी डाल दी। अब ये डिस्टिल वाटर आप कहाँ कैसे करेंगे इसका? अब इसको इसी में मिक्स करेंगे। अच्छा, ये जो है ये आपका ये कैसा सिंपल पानी है, ये कैसा है? नहीं, ये बर्फ़ का पानी है, ताज़ा पानी है, उसमें अच्छा, थोड़ा आइस दे रखा है हमने। अच्छा, इसमें जो ताज़ा पानी लेके आपने जी, और इसमें आइस डाल दिया है जी। तो ये आइस क्यों डाली जाती है राकेश जी? आइस की उपयोग सर जी जहाँ होती है, थोड़ी पानी जैसे गर्म होने लगता है तो जब ही हमें आइस की जरूरत मतलब जैसा कि वही जैसे आदमियों के बीच में होती है, थोड़ा बर्फ
लगा हुआ है या फ्रिज का पानी हो तो बड़े बड़े तबीयत से पीते हैं, ठंडा पानी अगर गर्म होता है तो हम एक घूंट दो घूंट भरा और हमने डाल दिया। और ये क्या चीज है सर जी? ये सर जी दूध है। अच्छा, इसमें दूध भी डाला जाएगा? हमको 400 ml मिलाना है इसमें। अच्छा, इसमें 400 ml दूध मिलाएंगे जी। ठीक, तो ये दूध का काम क्या है? दूध का काम सर जी, इसमें इस जो वैक्सीन है इसमें दूध मिलाना पड़ता है, ये खाली। अच्छा, ये जो कुंभेरों की वैक्सीन है इसमें दूध हमें डालना होता जी, है चाहे सूखा दूध डालें आप, चाहे पाउडर का डालें, चाहे लिक्विड वाला या लिक्विड जी। अच्छा अच्छा, तो ये हमने तो जो है अपना प्योर प्राकृतिक दूध लिया है इसमें। जी जी जी, तो इसे अब हम अच्छे से मतलब इसे घोल देंगे इसमें, जिससे कि वो पूरी वैक्सीन और ये दूध सब पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाए, वैक्सीन तैयार हो गया सर। वैक्सीन आपका तैयार होगा। जैसा कि राकेश जी मैं देख रहा हूँ कि आपके जो फीड पोर्ट हैं, जो फीड कंटेनर हैं, वो तो नीचे हैं, बच्चा सभी फीड खा रहा है जी। लेकिन आपने वाटर कंटेनर जो हैं, जो पानी के लिए जो आपके बर्तन हैं, वो आपने ऊपर किए हुए हैं, इसका क्या कारण है? इसमें इस वैक्सीनेशन में ये होता है, जो हमारे वर्ड होते हैं इसको 2 से 2.5 घंटा प्यासा रखा जाता है। अच्छा, आपने ये अब से 2-2.5 घंटे पहले से जी जी इसे ऊपर कर दिया, ड्रिंकर को ऊपर कर दिया है। अच्छा अच्छा, तो ताकि इसमें बच्चा प्यासा रहेगा, जो हम वैक्सीनेशन अभी करेंगे तो वैक्सीनेशन के जरिए जो बच्चा प्यासा भी है तो दोना दो बूंद पानी सब बच्चा पी लेगा, तुरंत वो वैक्सीनेशन का मतलब दवाई खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब जो है बच्चा हमने 2-2.5 घंटे अगर प्यासा रखा है जी, तो सारे ही बच्चे पानी पियेंगे। जी जी जी, दाना खा रहे हैं, उन्हें प्यास लगी है अभी। अब यानी कि हमारे जो 6000 बच्चे हैं जी, वो सभी के सभी प्यासे हैं जी, और अब हम उन्हें पानी के द्वारा ये दवाई पिलाएंगे जी। तो अब आप कैसे करेंगे पहले, मतलब ये जो पानी के आपके जो बर्तन हमारे जो ड्रिंकर है, तो इसमें हम बाल्टी के सहारे इसमें भर के 0.5 लीटर की मात्रा में। अच्छा, वैसे तो आपका जो पानी है वो ऑटोमेटिक टैंक से आता जी, है जी, जी। सारी फिटिंग हुई है जी। लेकिन आप जो ये हैं, ये आप मैनुअल हाथ से डालेंगे जी। जो ऊपर टैंक का पानी आता है सर, वो हमारा अभी लाइन बंद है। अच्छा, अभी लाइन बंद कर जी जी, पानी सप्लाई नहीं आ रही वहाँ से, अभी ड्रिंकर पूरा सूखा हुआ है। ये वैक्सीन का पानी चलाएंगे अभी हम जी। तो ये वैक्सीनेशन का पानी जैसे लमसम 2 घंटा चली जाएगा, 1.5 से 2 घंटा चली जाएगा, उसके बाद जैसे खत्म हो जाएगा तो हम ऊपर टैंक का पानी सप्लाई करेंगे। टैंक का पानी जी। तो जरा आप ये कैसे प्रक्रिया शुरू करेंगे जरा हमें करके दिखाएं जी सर। तो राकेश जी, जैसा कि आपने वो जो वैक्सीन का पानी बना हुआ था वो अपने जो ड्रिंकर में डाल दिया जी, और उसके बाद ये ड्रिंकर नीचे कर दिया, तो मैं देख रहा हूँ कि टोटल बच्चे जो है, अब बच्चे फीड नहीं खा रहे हैं, वो पानी पे लगे हुए हैं जी। जो कि हमारा वैक्सीन करने से पहले सर जी, इसको हमने 2.5 घंटे कम से कम प्यासा कर रखा है बच्चे को जी जी। तो अभी पानी नीचे करने के साथ ही तुरंत सारा बच्चा पानी पिएगा, और कोशिश करेंगे सारे वर्ड जो कि 1-2 बूंद पानी पी ले, जाके हमारा वैक्सीन का जो ड्रॉप होगा वो पूरा हो जाए। तो अब हमारा ये जो वैक्सीन है जी, तो इस तरीके से ये पूरा हो गया जी। अब इसमें थोड़ा सा बच्चे को हम भगाएंगे इधर उधर से, जो जिस बच्चे ने बच्चा पानी नहीं भी पिया तो वो भी पी लेगा, इस तरीके से ये 1.5 घंटे में इसका वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। तो राकेश जी, आपने ये जो किसान भाइयों को ये जो है गुम्बेरों की वैक्सीन की जानकारी दी और उसका तरीका बताया कि कैसे कैसे ये करनी चाहिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। तो किसान साथियों, आपने IBD गुम्बेरों की वैक्सीन के बारे में राकेश जी से समझा और सीखा कि ये वैक्सीन कैसे कैसे की जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं।
ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।